परंपरा में, राजा की परंपरा में भी स्वार्थ की तिलांजलि देने के लिए, अहंकार की तिलांजलि देने के लिए राजा स्वयं अपने कर्तव्य का संपादन करते हैं सेवक के लिए। ये रथ दिखाई जा रहा है महाप्रभु बलभद्र जी का, जो हरित वर्ण का है, लोहित और हरित वर्ण का है, इसलिए इस रथ में भी ये जो ऊपर चढ़ने के लिए जो मार्ग बनाए गए थे उनको खोल दिया गया है। खोलने के बाद रथ का कार्य, जब तक वो खुलेगा तब तक जगन्नाथ की आरती हो चुकी होगी, जगन्नाथ के रथ में कार्य का संपादन हो चुका होगा, उसके बाद रथ यात्रा, ये बावड़ा यात्रा का कार्यक्रम आरंभ होगा, यानी रथ खींचने का कार्यक्रम आरंभ होगा। इसलिए मैंने कहा कि आज जिस तरह रथ यात्रा के दिन राजा व्रत में थे, जिस दिन रथ यात्रा के दिन राजा उपवास में थे, आज भी राजा व्रत और उपवास किए हुए हैं। सारी की सारी नीतियों को संपादित करने के उपरांत राजा देखिए झाड़ू बुहारने का काम, जगन्नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ के रथ पर राजा ने झाड़ू बुहारने का काम प्रारंभ किया। जिसकी मूर्त दिखाई दे रही है आपको, वो सोने की है, और गोरावड़ू सेवक जो जिन्होंने उस पकड़ा हुआ है अपने हाथ में उस गोरा को, उसमें चंदन है, ये फूल पहले में फूल है, पहले वो फूल डालते हैं, फूल से उसको साफ करने के बाद फिर उसके बाद छेरा पहना होता है या पानी छिड़का जाता, चंदन का पानी छिड़का जाता है, तदुपरांत सूखा चंदन जो है उसको भी, घिसा हुआ चंदन उसको भी डाला जाता है, उसके बाद इस रथ का कार्यक्रम समाप्त होता है। धीरे धीरे राजा इशारा भी कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ फूल डालने के लिए राजा कह रहे हैं वहाँ वहाँ उनके सेवक फूल डालते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। राजा उसको साफ करते हुए, झाड़ी बुहारते हुए श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रथ पर अभी राजा विद्यमान है, जहाँ इस कार्यक्रम का संपादन किया जा रहा है। इसलिए जब राजा अपने मंदिर, अपने महल से निकल कर के आए हैं, तब राजा से भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। राज परिवार में राजा के भी कुछ नियम होते हैं। अपने व्रत होने के साथ साथ अपने राजभवन में राजा के सेवक, उन्होंने गणेश की पूजा की, श्री गणेश की पूजा की, श्री विष्णु की पूजा की, शिव की पूजा की, कनक देवता की पूजा की, फिर सूर्य, श्री गणेश, विष्णु, शिव, कनक, कनक और सूर्य, इन तीन पंच देवताओं की पूजा के उपरांत ये राजा जो मंदिर से बाहर निकलते हैं, जो निकलते समय इनके उपरांत देवी के दर्शन करते हैं, उनकी इष्ट देवी के दर्शन करते हैं, चतुर्भुजा देवी मूर्ति के दर्शन करते हैं, उसके बाद मंदिर से बाहर निकलते हैं। कि जितने भी काम हैं ये सारे के सारे काम राजगुरु की उपस्थिति, राजगुरु हमेशा राजा के पास विद्यमान रहते हैं, क्योंकि मंत्र पढ़ने का काम राजगुरु का होता है, पूजा करने का राजगुरु का काम होता है, इसलिए राजा के लिए सहायक के रूप में, पूजक के रूप में राजगुरु उनके साथ हमेशा विद्यमान रहते हैं। ये पूजा जो होती है, इन पंच देवताओं की पूजा जो होती है, विशेष विशेष नियम है। देखिए राजा हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं और अगले कार्यक्रम के लिए राजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसलिए ये जो राजगुरु जो पूजा करते हैं उसकी जो विधि है, वो विधि कैसी होती है, 10 विधियों से उसकी पूजा होती है, 10 विधियों से उसका उपचार किया जाता है। और राजा का मंगलारोपण करते हैं और फिर उसके बाद राजा अपने मंदिर से, अपने महल से बाहर क्यों निकलते हैं। राजा कठिन दे दिया गया है, हाथ धोने के राजा को दे दिया गया है चंदन का पानी, राजा छेरा जिसको हम कहते हैं चंदन का पानी, अब धीरे धीरे राजा मंदिर के चारों तरफ छिड़क रहे हैं। राजा का वस्त्र भी विशेष प्रकार का होता है, जिसकी सूचना हम बार बार आपको देते रहते हैं। सामान्य रूप से राजा का जैसा वस्त्र अन्य दिनों में होता है वैसा नहीं होता है, वो सफ़ेद पोशाक में राजा रहते हैं, राजा की सफ़ेद टोपी होती है, और इस पोशाक को पहनाने के लिए भी विशेष व्यक्ति होते हैं, जिसको कि हम दर्जी कहते हैं, दर्जी सेवक होते हैं, वो राजा को इस पोशाक, जिस पोशाक को आप देख रहे हैं उनकी टोपी सफ़ेद है, उनके कपड़े सफ़ेद हैं, और उसमें सफ़ेद टोपी में भी जो लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है वो भी सफ़ेद रंग का है, जिपर लगे हुए हैं, और इन सारी चीज़ों को पहनाने का काम उनका सेवक करता है, जिसको कि हम कहते हैं दर्जी सेवक, और इसको दर्जी सेवक भी कहा जाता है, बारी को भी कहा जाता है, जिसको कि हम हिंदी में नाई कहते हैं। इसलिए दर्जी सेवक महाराज का छेरा पहरा का वस्त्र, छेरा पहरा का ही विशेष वस्त्र है, इसको पहनाते हैं। रथ सेवा के पोशाक भी अलग अलग होते हैं, और जैसा कि आपने देखा कि सफ़ेद चूड़ीदार पहना हुआ है, सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ है, सफ़ेद टोपी पहनी हुई है, और लाल जरीदार जो है चादर उनके कमर में भी है, और जो कंधे से होकर के आया हुआ है उसके साथ उन्होंने, क्योंकि राजा है इसीलिए उन्होंने तलवार को भी धारण किया है। श्री मंदिर प्रशासन की तरफ से बहराकरण तथा अन्य सेवक
पहले राजा के पास कहाँ, ये इसमें मंदिर प्रशासन की तरफ आप जो देख रहे हैं राजा यहाँ पर विद्यमान है। राजा ऐसे नहीं आते क्योंकि जगन्नाथ के प्रधान सेवक है, वो राजा हैं, उनको विशेष अधिकार मिला हुआ है और जगन्नाथ मंदिर का कोई भी काम राजा की अनुमति के बिना नहीं होता है, इसलिए हर चीज़ के लिए राजा से पूछा जाता है और राजा को सूचनाएँ दी जाती हैं। यहाँ तक कि जगन्नाथ मंदिर की पूजा की सारी पहली पूजा की सारी चीज़ें चीज़ों पर राजा का अधिकार होता है, पूजा का जो भोग होता है उन पर राजा का ही केवल अधिकार होता है, इसलिए राजभवन पर उसका संपूर्ण अधिकार है। श्री मंदिर प्रशासन की तरफ से बेहराकरण जो है, बेहराकरण नाम के जो सेवक हैं उन्होंने बेहराकरण तथा उनके साथ अन्य कुछ सेवक आज जगन्नाथ की आज्ञा माला लेकर के अनुष्ठानिक रूप से राजा के महल में राजा को निमंत्रण देने गए थे। अब राजा का अगला कार्य संपन्न हुआ, जैसे जगन्नाथ मंदिर के सेवक, जब मंदिर के जो सेवक हैं जो आज रथ पर विद्यमान हैं, उन्होंने हाथ हिला करके इसलिए सूचना दी कि जगन्नाथ के सारे कार्य, राजा के द्वारा संपादित होने वाले सारे काम सही प्रकार, देखिए सूखा हुआ चंदन राजा आप छिड़क रहे हैं, आपने देखा पहले भूरा चंदन या पानी वाला चंदन उन्होंने डाला था, अब राजा धीरे धीरे क्रमशः मंदिर के ये रथ के चारों तरफ धीरे धीरे सूखा चंदन डाल रहे हैं। सूखा चंदन डालने के बाद जिस बात को आपसे अमली जी ने कही थी, आशीर्वाद राजा केवल अपने लिए नहीं देंगे, अपने प्रजा के लिए, इसे क्योंकि हमने बार बार कहा है ये धर्म मानवता का धर्म है, ये धर्म संस्कृति के समन्वय का है, इसलिए राजा प्रजा के लिए, जनता के लिए, प्रकृति के लिए, जीव निर्जीव के लिए, स्थावर जंगम हर एक के लिए वह आवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे महाप्रभु श्री जगन्नाथ से, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी श्रद्धा से यह कार्यक्रम, यह जीवन, मानव जाति का ही जो जीवन है, ये स्थावर का ही जो जीवन है, जंगम का जो ये जीवन है, सब सही से सलामत रहे, सब आनंद पूर्वक रहे, सब में भगवत प्रीति का भाव उत्पन्न हो, सब में प्रकृति से प्रेम का भाव उत्पन्न हो, इस प्रणाम के बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो। फिर उसके बाद रथ सेवा की बात मैंने कही, रथ सेवा में पोशाक जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। श्री मंदिर प्रशासन की तरफ से बेहराकरण गए, उन्होंने उनके साथ अन्य सेवक गए, राजा को अनुष्ठानिक रूप से उन्होंने बुलाया और फिर उसके बाद राजा, जैसे राजा के यहाँ ये सेवक जिसको कि प्रसंग क्रम में हमने पिछली बार बताया था, अभी बता रहे हैं जिसको कि हम इस बार देख नहीं पाए, राजनमक में पहुँचते ही विजय कहाली या विजय की तुरही बजती है। विजय कहाली का होता है, विजय कहाली वालों का एक काम होता है कि जहाँ कोई एक कार्यक्रम का संपादन होता होता है, किसी महिमा का वर्णन होता है, कार्यक्रम को आगे बढ़ना होता है, राजभवन में यदि जगन्नाथ की यहाँ से कोई सूचना आनी होती है, सबसे पहले विजय कहाली को बजाया जाता है। विजय कहाली का होता है कि विजय की कहाली, विजय का बाजा, इसलिए विजय कहाली बजती है। इसलिए राज मंदिर में भी, राजनगर में भी उसी प्रकार से विजय कहाली से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। ये दिखाई दे रही जगन्नाथ महाप्रभु की दो आंखें जिनकी सेवा कर रहे हैं, उनके प्रधान सेवक, उनके प्रथम सेवक महाराजा गजपति द्वितीय। इसीलिए राजनगर में विजय कहाली बजने के बाद तुरही बजती है, तुरही बजने के बाद सूचना मिल जाती है राजा को कि जगन्नाथ के सेवक उनके पास आ चुके हैं। गजपति के देवज्ञ पंडित इसके तुरंत बाद, विजय कहाली के तुरंत बाद, जिसको कि आपने देखा जब राजभवन में ही, राजमहल में ही विजय कहाली बजते हैं, उनके देवज्ञ पंडित स्तोत्रपाठ करते हैं, ग्रहों की विप्रों के लिए मंगलाष्टक भी पढ़ते हैं। देखिए इसलिए हमेशा ये जो नवग्रह की बात हम करते हैं, इन सभी ये सारे के सारे ग्रह सबको संतुष्ट रखें इसके लिए भी वो पढ़ते हैं, फिर मंगलाष्टक भी पढ़ते हैं। राजा कनक, फिर उसके बाद राजा कनक दुर्गा का दर्शन करते हैं। राजमहल में सजी हुई रखी रहती है ये पालकी, जिसको कि हम पालकी कहते हैं, जिसको कि हम तामजानी भी कहते हैं, जिसको हम मेहना भी कहते हैं। इस मेहना में बैठ करके, इस ताबीज़ में बैठ, इस पर बैठ करके राजा छेरा पहरा और सेवा के लिए निकलते हैं। आपने देखा होगा रथ यात्रा में वो आरंभ से ही इस मेहना में बैठ करके, इस तामजानी में बैठ करके आए थे, पर अभी इस बाहुड़ा यात्रा में, क्योंकि राजमहल से गुंडीचा मंदिर ज़रा दूरी पर है, समय बच जाए इसलिए आधे रास्ते तक मंदिर के सामने, ये गुंडीचा मंदिर के सामने तक राजा आए थे गाड़ी में, फिर उसके बाद वहाँ तामजानी सजी रखी थी और वहाँ से उतर करके महाराजा तामजानी में बैठ करके गए, फिर उससे नीचे उतर करके मंदिर के ऊपर गए।